बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था, एक्सरसाइज जो है 11.8 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि टाइम को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, कैसे आफ्टर रहते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, बिफोर रहते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको क्लियर करवाया था, राइट। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.9 जो है स्टोरी सम्स। इसमें भी हमें पता करना पड़ेगा कौन से आफ्टर वाले हैं, कौन से बिफोर वाले हैं ना। आफ्टर वाले हैं तो ऐड करेंगे और बिफोर वाले हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कि स्टोरी सम्स में आपका टू फाइंड द स्टार्टिंग टाइम्स, ठीक है। जब भी हमें स्टार्टिंग टाइम निकालना होगा यानी शुरू का टाइम निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे ना तब आपको ये बात समझ आएगा कि हमें क्या करना है, राइट। ओवर हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टू फाइंडिंग द फिनिशिंग टाइम, अगर कोई टाइम फिनिश कर रहा है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दो कीवर्ड आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जांपल नंबर 21 में कह रहा है अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट एट 6:15 PM, ठीक है। यानी एक गाने की कॉम्पिटिशन हुआ था जो स्टार्ट हुआ 6:15 PM में, इट फिनिश्ड 2 hours 30 minutes लेटर। तो कह रहे 2 घंटा 35 मिनट, 2 hours 35 मिनट्स के बाद क्या हुआ, ये फिनिश्ड हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द फिनिश टाइम, तो देखो हमें कह रहे हैं फिनिशिंग टाइम, क्या कह रहे हैं फिनिशिंग टाइम पूछ रहा है। तो फिनिशिंग टाइम क्या होगा हमें, अच्छा इसमें कह रहे हैं ना फिनिशिंग टाइम है ना, फिनिशिंग टाइम तो ऐड हो जाएगा ना बच्चों, तो ऐड होगा। तो देखो स्टार्टिंग टाइम क्या था, 6, इतना ड्यूरेशन चला कितना, 2 घंटा 35 मिनट्स, तो फिनिशिंग टाइम होगा। तो 6 hours में क्या करो कि पहले आवर्स को ऐड कर दो, ठीक है, 2 hours हो जाएगा और 15 मिनट्स। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको ये तरीके समझ में आ रहा है तो, ठीक है, कि पहले हमने आवर को ऐड किया फिर ये आ गया, अब इसमें हमने मिनट को ऐड किया तो ये रिजल्ट आया, तो फाइनली ये रिजल्ट हुआ द सिंगिंग कॉम्पिटिशन फिनिश्ड एट 8:30 PM। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, जैसे देखो 6:15 हो रहा है तो ये हमने आवर्स लिख दिया और यहाँ पे हमने मिनट लिख दिया, ठीक है। अब कितना लगा टाइम्स, लगा कितना 2 hours 35 minutes लगा, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 0 3 और 1 क्या हो गया 4 और ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और 6 to 8, तो देखो ये 8 आ गया। अब ये किस में चल रहा है, पीएम में चल रहा है, ये पीएम ही हो जाएगा, तो 8:50 यानी 8:50 PM हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। या अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ये, और ये इजी लग रहा है, दोनों से जो इजी लग रहा है कोई एक मेथड आपको सॉल्व करना है, एक मेथड से, है ना। चलो अब एग्जांपल नंबर 22 में देखो, कह रहा है मोहन रिच कानपुर एट 7:30 7:15 PM, इफ द जर्नी टुक 8 hours 45 minutes एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट। तो देखो स्टार्ट किस समय स्टार्ट हो रहा होगा, बिफोर की बात हो रही है ना, तो बिफोर मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है ना, बिफोर क्या होगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन कितना रहा, इतना का ड्यूरेशन रहा, जो फिनिशिंग टाइम था वो ये रहा, ठीक है। तो 7 a यहाँ पे क्या करेंगे, 7:15 PM है तो इसमें से 8 hours लेस करो, तो देखो 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा 12 में 7 ऐड हो जाएगा। तो जब 12 में 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19 में से 8 को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 11, क्यों, देखो ये पीएम में था तो इसे हमें एएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एएम में हो जाएगा, एएम में से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये 19 में से 8 को लेस करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, और ये 15 है, और ये 45 मिनट इसमें से लेस करोगे तो 10:30 AM आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा एएम, यानी ये जो स्टार्ट हुआ था ना ट्रेन जो है वो 10:30 में स्टार्ट हुआ था, और जो फिनिशिंग हुआ वो 7:15 में क्या होगा ये फिनिश्ड हो गया, यानी ये अपने जो डेजिनेशन थे वहां पे पहुंच चुके, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा। सो मोहन स्टार्टेड हिज जर्नी एट 10:30, तो मोहन कब जर्नी स्टार्ट किया था 10:30 पे, 10:30 पे स्टार्ट किया था और 7:15 PM में क्या किया वो अपने डाइजेशन पे पहुंच पाया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए, मेथड भी आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन मेथड भी यूज कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर भी कर सकते हो, या इस तरीके से भी कर सकते हो।
तो अब चलिए हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.9 में क्या कह रहा है, सॉल्व दिज स्टोरी सम्स। तो ये जो दो आपने एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल नंबर 21 एंड 22, उन्हीं के बेस पे ये आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है। अ स्कूल स्टार्ट्स एट 7:50 AM, ठीक है। स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है वो कितना है, 7:50। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल 5 आवर्स, और स्कूल जो है 5 घंटा चला, एट व्हाट टाइम डज इट्स ओवर, यानी कब जाकर के स्कूल ओवर हुआ। ओवर मतलब क्या हो गया, आफ्टर में आ जाएगा, एडिशन हो गया, मतलब कब समाप्त हुआ, ठीक है। तो 7:50 में तो शुरू हुआ था और 5 घंटे तक स्कूल चला, तो समाप्त कितना हुआ, तो वी नीड टू एड इट। तो आप या तो ऐड कर सकते हो, या फिर आप दो तरीके हमने बताए वो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहां मैंने दोनों तरीके का फॉर्मेट लिखा है। स्कूल गेट्स ओवर, 7 में स्टार्ट हुआ, 5 घंटा चला, तो ये वाला हमने इसमें ऐड कर दिया, आवर्स वाले आवर्स को ऐड करेंगे, तो 7×5 12, तो 12 आ गया, और ये 50 मिनट, तो ये आ जाएगा, और जैसे 12 बजेगा तो पीएम हो जाएगा, तो 12:50 PM, यानी जो स्कूल ओवर हुआ वो 12:50 PM में हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला मेथड। मैंने दूसरा मेथड भी लिखा, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, मिनट वाले को एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा मिनट, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 12, और जैसे बच्चों 12 बज गया तो ये एएम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पीएम में, तो ये पीएम में हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला मेथड कर लो, बुक में भी इस हिसाब से किया है, या फिर अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये करो, इससे भी आपके आंसर्स आए और इससे भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको इससे भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। तो आप दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि ये मेथड से मैंने पीछे के एक्सरसाइज आपको करवाया 11.8 को, इसलिए मैं ये मेथड भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये मेथड भी है, आप जो इजी लगे आप वो मेथड यूज करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कह रहा है अ टूरिस्ट बस स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 7 PM एंड टेक्स 5 hours 45 minutes टू रीच जयपुर, एट व्हाट टाइम डज इट्स रीच जयपुर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी टूरिस्ट बस जो है वो 7 बजे जो है वो स्टार्ट हो गया और 5 घंटा इतना टाइम लगा उसको पहुंचने में जयपुर, एट व्हाट टाइम डज इट्स रीच, वी नीड टू ऐड। तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना, तो 7:05 12:45 में ये पहुंच पाएगा, बट कैसे आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं। देखो ये मैंने लिखा बस रीच जयपुर 7 AM में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब 5 घंटे इसमें ऐड करेंगे, ये वाले इसमें ऐड होगा, तो 7:05 12 यानी मिडनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 45 ये मिनट्स है, तो मिनट्स में ऐड करोगे तो 12:45 क्या हो जाएगा AM, क्यों, क्योंकि जैसे ये 7 PM है और जैसे बच्चों 12 बजेगा ना, तो PM जो है वो AM में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे AM आ जाएगा, ठीक है। तो 12:45 AM आ जाएगा, ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको ऐड करो सीधा, 45 आ गया, 7:05 12 आ गया, तो अब देखो 12 बज के यहाँ पे क्या था, पीएम है, और ये 12 बज गया, तो जब 12 बजेगा तो ये पीएम जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, एएम में। तो आप इस हिसाब से इनको आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि 3 में क्या कह रहे हैं। अ क्लासिक कह रहे अ क्लास पिकनिक गॉट ओवर 5 PM इफ इट लास्ट फॉर 6 hours 30 minutes एट टाइम डिट इज बिगिन, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि द क्लास पिकनिक गॉट ओवर, यानी क्लास के जो पिकनिक थे वो 5 PM में ओवर हो गया, और ये जो पिकनिक चला वो 6:30 चला, यानी 6 hours 30 minutes चला। तो बताओ ये कब शुरू हुआ था, शुरू इन द सेंस बिगेन हुआ है ना, तो बिगेन मतलब क्या हो गया, बिफोर, और बिफोर में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के भी दो मेथड से मैंने इसको भी सॉल्व कर रखा है, जो मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा पाऊं आपको, है ना। सो देखो पिकनिक बिगेन्स मैंने लिखा 5 में, ठीक है, तो मैंने पहले इससे घटाया, तो देखो 5 में से तो 6 जाएगा नहीं बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पीएम है तो एएम में से हमें लेना पड़ेगा, तो ये 12×5 17 हो जाएगा, तो 17 में से अगर 6 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, तो ये 11 AM में हो गया, क्यों, यहाँ PM था ये AM हो गया, ठीक है। अब इसमें से 30 मिनट लेस कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया 10:30 AM में जो है पिकनिक जो स्टार्ट हो गया था, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है, यह शुरू हुआ था। अब सेकेंड मेथड में देखो मैंने इसी हिसाब से आपको करवाया,
तो पहले देखो 5 आवर्स में से तो 6 आवर 30 मिनट लेस होगा नहीं ना, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ये आप यहाँ पे 5 ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा अब इसमें से लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 30 तो 30 आ ही जाएगा, ठीक है। ये बच गया 11, 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो 10 30 हो जाएगा। और यहाँ पे am था तो ये am आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 5 तो घटा नहीं ना, ये 5 घंटा पीएम का है और 12 घंटा एएम का है, तो 12 5 17 है ना, तो उसमें से आप लेस कर दो तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, ये आपको ये मेथड इजी लग रहा है तो आप ये मेथड से कर लो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, मानस स्टार्टेड हिज होमवर्क एट 6:55 PM एंड फिनिश्ड It 1 hour 5 minutes later, ठीक है। At what time did his work finished? देखो जो मानस ने अपना होमवर्क स्टार्ट किया था 6:55 पे, ठीक है ना, 6:55 पे उन्होंने अपना होमवर्क करना स्टार्ट किया था और 1 hour 5 minutes में वो अपने काम को फिनिश्ड कर लेता है। तो बताओ वो किस टाइम फिनिश किया, तो वी नीड टू एड, इसने में शुरू किया और इतना टाइम लगा तो फिनिश्ड कितने में किया, तो एड कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो मैंने यहां पे इस हिसाब से लिखा है, आप भी ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। मानस फिनिश्ड हिज होमवर्क, इतने स्टार्ट किया था, पहले हमने आवर्स को इसके साथ ऐड किया तो ये हो जाएगा 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 60, तो 60 का क्या होगा कैरी इधर आ जाएगा 1, तो 8 PM में क्या करेगा वो अपना काम फिनिश्ड कर लेगा, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। 5 में देखो कह रहा है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन स्कूल्स गॉट ओवर एट 10:15 AM इफ प्रोग्राम वॉज फॉर 1 hour 30 minutes एट व्हाट टाइम डिड हिज बिगिन। यहाँ पे भी देखो बिगिन यानी पहले, बिफोर, बिफोर हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आफ्टर में ऐड करना पड़ता है ना, तो ये बिगिन है मैंने पहले, यानी प्रोग्राम जो है इतना बजे खत्म हो गया और ये प्रोग्राम चला था 1 hour 30 minutes, तो बताओ ये प्रोग्राम शुरू कब हुआ था यानी स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस बिगिंस, इतना बजे वो फिनिश्ड हो गया, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और 30 मिनट्स में से माइनस करोगे तो 8:45 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 8:45 में क्या हो गया, जो प्रोग्राम्स था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो था वो स्टार्ट। और दूसरा मेथड से करना है तो आप ऐसे कर लो, इसमें से कैरी लोगे तो ये क्या हो जाएगा 75 में से 30 जाएगा तो क्या होगा 45 आ जाएगा, और ये बच जाएगा 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8, तो ये क्या होगा 8:45 और ये एएम आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो या ये मेथड यूज कर सकते हो। तो ये जो 5 क्वेश्चंस थे, इन 5 क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से करवाया है आपको, है ना, सिंपल मेथड भी कराया, जो बुक में करवा रखे थे वो मेथड भी करवाया। तो आपको जो मेथड इजी लगे बच्चों और जो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है दोनों आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें आप इन दोनों में से जो बेस्ट कर पा रहे हो ना, आप उस मेथड से सॉल्व करना, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय।